नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी में जो पहला चैप्टर है आपका वो है बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बुद्धि के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है, इन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि चैप्टर का नाम है बुद्धि के सिद्धांत, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, बुद्धि के अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपसे कोई कहता है कि बुद्धि क्या है तो क्या कहिएगा आप लोग? तो दोस्तों बुद्धि का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता होती है। ठीक है, क्या है बुद्धि? समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है, यह बुद्धि का सामान्य अर्थ होता है या बोले सामान्य परिभाषा सी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों सामान्य अर्थ बुद्धि का क्या है, बुद्धि क्या है, समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ओके, लेकिन दोस्तों अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे मनोवैज्ञानिक का परिभाषा नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर उनके स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, उनकी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए हम उन सबको जरूर याद रखेंगे जो कुछ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्टर्न की। स्टर्न ने बुद्धि को कैसे परिभाषित किया है तो चलिए देखते हैं। नई परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित कर लेने की एक योग्यता, एक सामान्य योग्यता बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, स्टर्न ने क्या कहा है, बुद्धि क्या है, तो नई परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित कर लेने की एक सामान्य योग्यता बुद्धि है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है, स्टर्न का है। ठीक है, अगर हम इसको और अपने सिंपल शब्दों में बात करें तो स्टर्न ने क्या कहना चाहा है कि बुद्धि क्या है, तो जो भी हम क्या करते हैं, अक्सर आप सुने होइएगा कि किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, किसी भी माहौल में ढल जाता है। ठीक है, तो किसी भी माहौल में ढल जाना, ओके दोस्तों, किसी में माहौल में ढल जाने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, बुद्धि कहलाती है। यह कथन किसका है, स्टर्न का है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया स्टर्न ने क्या परिभाषा दिया है, तो नई परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित कर लेने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। यह स्टेटमेंट किसका है या यह परिभाषा किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है। ओके, दूसरा आपका है टर्मन के अनुसार। दोस्तों यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह काफ़ी एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। टर्मन ने क्या कहा बुद्धि के बारे में, तो टर्मन ने कहा कि बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। यह किसने कहा है, आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है, यह स्टेटमेंट किसका है, तो दोस्तों यह परिभाषा दिया है टर्मन ने। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल है, दो चार वर्ड है, क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि होती है, यह स्टेटमेंट टर्मन के दिया था, यानी कि यह परिभाषा किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। क्लियर है, नेक्स्ट परिभाषा आपका जो है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, तो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। ओके दोस्तों, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है, यह स्टेटमेंट थॉर्नडाइक ने दिया है। क्लियर है, इसके बाद आपका जो है लास्ट है जो पढ़ना है, क्या है, कैटल। ठीक है, कैटल का भी पूछता है, ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो दोस्तों यह स्टेटमेंट कैटल ने दिया, यानी कि यह परिभाषा किसने दी है, कैटल ने दी है। क्या कहा कैटल ने, तो कैटल ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, यानी कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, यह परिभाषा कैटल ने दिया है। ठीक है, तो यह कुछ चार परिभाषा है जो आपको याद रखने हैं क्योंकि यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आपका है, बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, बुद्धि के सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के कौन कौन सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन उसके तत्वों के आधार पर किया गया है जो निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है कि बुद्धि का सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके आधार पर दिया गया है, तो बुद्धि के तत्वों के आधार पर बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है जो कि निम्नलिखित है, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन है वो नीचे दिया गया है। पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। ओके दोस्तों, पहला सिद्धांत क्या है, एक तत्व का सिद्धांत। चलिए देखते हैं क्या है यह सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने को माना जाता है। दोस्तों ये बीने, अल्फ्रेड बीने है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, अल्फ्रेड बीने। ओके, तो एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने दिया है। ठीक है, यानी अल्फ्रेड बीने को एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। दोस्तों प्रतिपादक जरूर याद रखिएगा हर सिद्धांत का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है।
ओके, तो एकता तुक का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिनी ने दिया है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें? इसके अलावा टर्मन एवं स्टर्न भी इस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ऑप्शन में बिनी ना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा टर्मन स्टर्न भी क्या है? एकता तुक के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको इस दोनों को खोजना है, ठीक है। वैसे आपको बिनी आप जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिपादक पहला यही थे, इसलिए बिनी आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या है? टर्मन एंड स्टर्न भी क्या है? एकता तुक के सिद्धांत से संबंधित है, यानी इसको मानने वाले हैं। ओके, फिर क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक तत्व होता है। यानी कि यह सिद्धांत क्या कहता है? एक तत्व का सिद्धांत कि बुद्धि में क्या है? बुद्धि में केवल एक तत्व है, ठीक है। एक तत्व है बुद्धि में, या एक तत्व होता है जिसका स्वरूप अविभाज्य एवं अखंड होता है। यानी कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। एक ही तत्व है तो उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना गया है। जाहिर सी बात है, एक तत्व बोला गया है, यानी बुद्धि क्या होती है? एक ही प्रकार की होती है, एक तत्व होता है, या बोल सकते हैं एक ही क्या होता है? कारक होता है। ओके, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसमें? एक तत्व के सिद्धांत में। यह एक तत्व का सिद्धांत कहता है, जिसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिनी है। ओके दोस्तों, सिंपल शब्दों में बात करें तो अल्फ्रेड बिनी ने क्या कहा चाहा है कि अल्फ्रेड बिनी के अनुसार क्या है? बुद्धि में क्या है? एक ही तत्व होता है, या एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है, जिसको हम क्या है? विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत किसका है? तो यह एक तत्व का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। एक तत्व यानी कि एक प्रकार की बुद्धि, ठीक है, क्लियर हो गया। एक तत्व का सिद्धांत क्या कहता है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आया तो। सिंपल है, शब्द सिंपल लिखे हैं हमने। चलिए नेक्स्ट आपका है द्वि तत्व का सिद्धांत। यहाँ क्या था? एक तत्व था, यानी कि बुद्धि में एक ही तत्व होता है, या एक प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ सेकेंड क्या है? द्वि तत्व का सिद्धांत, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। यानी क्या? बुद्धि में क्या होंगे? दो तत्व होंगे, ठीक है, यानी कि दो प्रकार की बुद्धि होगी, ठीक है। तो क्या कहता है? पहले इसके देख ले प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों द्वि तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, ठीक है। यानी कि द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ओके, इतना समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है यह सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी द्वि तत्व में क्या है? बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सामान्य बुद्धि है जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं, तथा दूसरा क्या है? विशिष्ट बुद्धि जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा एस फैक्टर और जी फैक्टर। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया है? तो याद रखिएगा स्पीयरमैन ने दिया है। यानी कि क्या है? द्वि तत्व का सिद्धांत है यह। ओके, जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। और यह किस सिद्धांत का है? तो द्वि तत्व के सिद्धांत का है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, क्या कहता है सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो वर्गों में विभाजित होती है, यानी कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि आपका सामान्य बुद्धि कहलाता है, और एक बुद्धि आपका विशिष्ट बुद्धि कहलाता है, जिसे हम जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर बोलते हैं, एस फैक्टर यानी कि स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट में क्या है देखते हैं, क्या कह रहा है? त्रि तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे द्वि तत्व है ऊपर, अभी हम लोग क्या देखे? द्वि तत्व यानी कि दो प्रकार की बुद्धि, ठीक है। लेकिन इसके बाद द्वि तत्व के बाद स्पीयरमैन ने त्रि तत्व का सिद्धांत भी दिया था, याद रखेगा। अगर आपसे पूछता है त्रि तत्व का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया है, तो यह भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। द्वि तत्व का सिद्धांत और त्रि तत्व का सिद्धांत दोनों किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको मत भूलिएगा जी फैक्टर एस फैक्टर, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी फैक्टर एस फैक्टर किसने दिया है। आपको हो सकता है द्वि तत्व का सिद्धांत न देकर क्या दे देगा? जी फैक्टर एस फैक्टर किसने दिया है, ये आपसे पूछ देगा। तो याद रखिएगा दोनों क्या है? द्वि तत्व का सिद्धांत, या बोले जी फैक्टर एस फैक्टर का सिद्धांत आपका दिया है स्पीयरमैन ने, और त्रि तत्व का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने ही दिया है, क्लियर है। चलिए तीसरा सिद्धांत की बात कर ले। तीसरा सिद्धांत क्या है आपका? बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रतिपादक की। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक थर्स्टन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है, क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुतत्व है, बहुबुद्धि नहीं है। बहुबुद्धि अलग होता है, बहुतत्व अलग है, ठीक है। ये बहुतत्व है, तो बहुतत्व का सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने दिया है। ओके, आगे क्या कहा इस सिद्धांत में, क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में एक या दो तत्व नहीं, बल्कि बुद्धि कई सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी क्या है इस सिद्धांत के अनुसार? क्या नाम से ही पता चलता है, बहुत तत्व, यानी कि बुद्धि में क्या है? बहुत सारे तत्व होते हैं। बुद्धि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है, जिसे बहुत तत्व का सिद्धांत बोलते हैं। सभी तत्व परस्पर समन्वित होते हैं। यानी कि आप क्या है, जितने भी तत्व हैं क्या है, सब एक दूसरे से क्या होते हैं?
मिले होते हैं, सब क्या होता है एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि सारे तत्व क्या है अलग अलग नहीं होते हैं, सब क्या है एक दूसरे पे क्या डिपेंड होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या सारे करें संबंधित होते हैं, ठीक है, कोई भी अलग अलग नहीं होता है। ओके, समझ गए सिद्धांत क्या कहता है। नेक्स्ट है इसमें थर्स्टन ने 8 प्रकार के तत्वों का यह योग्यता बताई गई, यानी कि बुद्धि में जो बहुत तत्व बताए गए कितने प्रकार के तत्व बताए गए हैं, 8 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, या इसको हम योग्यता भी बोल सकते हैं। ये 8 प्रकार की योग्यता बताई है किसने, थर्स्टन ने। तो कौन कौन से 8 प्रकार की योग्यता है चलिए देखते हैं। पहला है पी फैक्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं परसेप्चुअल फैक्टर एबिलिटी बोलते हैं। पी फैक्टर मतलब क्या है, परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्षीकरण की योग्यता बोलते हैं। एन फैक्टर है यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि क्या है संख्या सूचक योग्यता, हिंदी में बोलेंगे संख्या सूचक योग्यता। भी फैक्टर यानी कि वर्बल फैक्टर है, यानी कि मौखिक योग्यता, ठीक है। परसेप्चुअल हो गया क्या, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, न्यूमेरिकल हो गया संख्या सूचक योग्यता, वर्बल हो गया आपका मौखिक योग्यता, ठीक है। एम फैक्टर है मेमोरी एबिलिटी, यानी कि स्मृति योग्यता, हिंदी में बोलेंगे इसको स्मृति योग्यता बोलेंगे। एस फैक्टर है आपका स्पेशल एबिलिटी, यानी कि स्थान संबंधी योग्यता, स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ मतलब क्या है, यहाँ पे स्थान संबंधी योग्यता को दिखा रहा है। या डी फैक्टर है मतलब डिडक्टिव एबिलिटी, यानी कि इसको बोलते हैं निगमनात्मक योग्यता, ठीक है। डिडक्टिव मतलब क्या होता है, निगमनात्मक योग्यता। वर्ड फ्लुएंसी है मतलब क्या है, शब्द प्रवाह की योग्यता, ठीक है। और आई फैक्टर है आपका इंडक्टिव एबिलिटी, यानी कि आगमनात्मक योग्यता, ठीक है। तो यह 8 प्रकार की योग्यता बोल सकते हैं, या 8 प्रकार के तत्व बताएं किसने, थर्स्टन ने। ओके, तो समझ गए बहुत तत्व का सिद्धांत क्या था, किसने दिया था, तो बहुत तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, सब एक दूसरे से मिले होते हैं, संबंधित होते हैं, और कितने तत्व होते हैं, 8 प्रकार के तत्व थर्स्टन ने बताए हैं, जो कि आपको नीचे बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है दोस्तों, बस याद रखिएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हवार्ड गार्नर है, ठीक है। हवार्ड गार्नर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार की, कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक थंडराइक ने बुद्धि को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है। ओके दोस्तों, यानी कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, किसके अनुसार, थंडराइक के अनुसार। कौन कौन सा होता है, प्रत्यक्ष बुद्धि, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका प्रत्यक्ष बुद्धि पहला है, दूसरा आपका है, ठीक है, दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष बुद्धि, और तीसरा आपका है सामाजिक बुद्धि, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है। दोस्तों प्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होगा, मान लीजिए कोई भी बच्चा क्या करता है, किसी वस्तु को समझने लगता है, उसको पहचानने लगता है, ठीक है। किसी वस्तु या पदार्थ को क्या करता है, जब बच्चा समझने और उसको पहचानने लगता है, तो वो उसमें किस तरह की बुद्धि होगी, उसमें प्रत्यक्ष बुद्धि होगी, यानी कि वो प्रत्यक्षीकरण करने लगता है, उसको पहचानने शुरू कर देता है या पहचानता है, ठीक है, किसी वस्तु या पदार्थ को, तो क्या कहलाएगा आपका, प्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से करता है, ठीक है। यह क्या है, बच्चों में बोल सकते हैं जन्मजात हो सकता है, ठीक है, यानी कि बच्चों में जन्म के साथ ही क्या होता है, ये बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष बुद्धि की बात करें तो प्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होगा दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब क्या करते हैं वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त किस बुद्धि के माध्यम से करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से करते हैं, किसके अनुसार, थंडराइक के अनुसार। प्रत्यक्ष बुद्धि में सिर्फ क्या है, वस्तु को पहचानना और पदार्थों को जानना समझना शुरू कर देते हैं, किसके माध्यम से, प्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से, ठीक है। और प्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम क्या होता है, अप्रत्यक्ष बुद्धि कहलाता है कि अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन सा बुद्धि मदद करता है, अप्रत्यक्ष बुद्धि मदद करता है, कोई भी ज्ञान, चाहे स्कूली ज्ञान हो या कॉलेज के ज्ञान हो, ठीक है, उसमें जो कि या बोल सकते हैं किताबी ज्ञान, सबसे अच्छा रहेगा किताबी ज्ञान, ठीक है। किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको किस बुद्धि की आवश्यकता होती है, अप्रत्यक्ष बुद्धि की आवश्यकता होती है, यानी अप्रत्यक्ष बुद्धि उसमें काम आता है, ठीक है। और वही बोले हम सामाजिक बुद्धि, तो समाज में हम क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है, समाज में क्या, सामाजिक कार्यों को, मूल्यों को फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं, समाज के बातों को अपनाते हैं, उसके नियम कानून को मानते हैं, तो इसमें जो बुद्धि काम आती है वो आपका कहलाता है सामाजिक बुद्धि कहलाता है, वो यानी कि समाज के जो भी बातें हैं, नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना, उसको मानना में जो बुद्धि काम आएगी वो क्या कहलाएगा आपका, सामाजिक बुद्धि कहलाएगा, ठीक है। तो यह 3 प्रकार के बुद्धि बताए हैं किसने, थंडराइक ने। उम्मीद है तीनों बुद्धि समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष बुद्धि सिंपल शब्द में अवगत करें तो क्या है, वस्तु को या पदार्थों को समझने की शक्ति क्या कहलाएगी आपकी, प्रत्यक्ष बुद्धि। या बच्चों में जन्म से पास शुरू हो जाता है, जन्म ये हमारे पास क्या है, जन्म से पाया जाता है। अप्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है,
किताबें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वो आपका प्रत्यक्ष बुद्धि कहलाता है, और समाज के नियम रेगुलेशन को मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसमें घुल मिल जाने के लिए जो बुद्धि काम आती है वो आपका सामाजिक बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो यह आपके बुद्धि के प्रकार है जिसने थॉर्नडाइक ने बताए हैं। ठीक है, तो तीन तरह की बुद्धि है, प्रत्यक्ष बुद्धि, प्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी बातें बताई उसको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, सब सिंपल लिखे गए इसमें, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।